ईयर चेक करने आई थी, तो वो चेक करके गई, तो बेबीज का भी रोने वाली है। और ये है बाहर के नज़ारे, अभी धूप निकली थी, सामने पहाड़ी पहाड़ दिख रहे थे। ये रूम की एंट्री है, इसमें सुरभि है, बेबी का बेड है, यहाँ पे सुरभि है, यहाँ पे बच्चों का चेंज करने का रहता है, सिंक वगैरह, उसमें सारे कपड़े डायपर सब रहते हैं। ये वॉशरूम है, ऐसे बेड अटैच हो जाते हैं बच्चों के। एक और बेड है गाय मतलब खाने के लिए। दीपक अपना काम पूरा करता हुआ, आज दीपक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटी होती जा रही है बेबी, घिसती जा रही है, जब हमने बड़ी हो जाएगी ना ये बेटा, जब आप ये 20 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो ना, देखो कितने इतने से थे। और सबसे बड़ी बात ये देख ले बेटा, तूने हमें कितना परेशान कर दिया। इसने क्या किया बेचारे, इसने थोड़ी बोला था कुछ करने को, परेशान करने को, और हमने इसको, शायद हमने इसको कर दिया। तो परेशान हो रही है, किन्ना परेशान हो रही है, किन्ना परेशान हो रही है। हमारे रूम से एल्प्स दिखती हैं सामने, पर अभी तो रात हो गई है। अजवाइन के पानी की जुगाड़ देखो, केटल मंगा लिया था मैंने, और उसमें अजवाइन डाल के यही हो जाएगा। दीपक ऐसा लग रहा है अपना पर्सनल रूम है ये, पड़ गया रुकने की उत्तम व्यवस्था। कैसे गए दीपक ये एक दिन? एक दिन दो दिन दो दिन चार दिन हो गए। हाँ कैसे गए? चार दिन हो गए दीपक हॉस्पिटल में। अपन आए थे आज 30 तारीख हो गई है। अपन को मिला था यहाँ में 27 को। 27 को मिला था नहीं 25 को। 25 को पता नहीं, पर 4 दिन हो गए हैं। कब आए थे तुम? सोचना पड़ेगा। पजब पजब को दिख रही है आज, तो थोड़ी इमोशनल हो गई मैं। अच्छा लग रहा है हॉस्पिटल में, वैसा लग रहा है घर जाया जाए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे दिख रहा है। कुछ हो रही है वहाँ पर, थोड़ी सी धूप आई है, स्नो मेल्ट नहीं हुई है, इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत माइनस में होगा पक्का। और मैं दीपक का वेट कर रही हूँ क्योंकि 12 बजे से होता है विजिटिंग आवर्स, थोड़ा पेन हो रहा है, तो दीपक आने वाला होगा 15 मिनट में। डे कौन सा हो गया यार, 26 को आए थे दीपक बोल रहा था, 27, 28, 29, 30, 31, 5th डे हॉस्पिटल में। अमेजिंग, इतने दिन में कभी हॉस्पिटल में नहीं रही, ये उठने वाली है पक्का। चलो दीपक आता है फिर मिलते हैं। एप्स दिख रही हैं क्या कैमरे में? नहीं दिख रहे हैं। और हमें डिस्चार्ज मिल रहा है, मतलब मुझे डिस्चार्ज मिल रहा है और बेबी को भी हम लोग जा रहे हैं। घर जाने की अलग ही खुशी होती है यार, घर जाने 2 दिन में बैठू। 29 को सुबह हुई है, 31 की सुबह यार। कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी तो उन्होंने बोला चले जाओ। ग्रेट, दीपक पूरी जाने की तैयारी कर रहा है, खुश हो गया दीपक। हाँ यार घर चलेंगे, उससे बेस्ट क्या हो सकता है। सामान पैक होने लगा है, मैं इसके साथ बैठी हुई हूँ। 2 दिन में यार, मतलब अचीवमेंट हो गया है ना।
अब तो नर्स मुझसे कह रही थी रिस्पेक्ट है। कल तो सभी ने खूब वॉक की है। मुझसे कह रहे थे रिस्पेक्ट। जो चीजें लोगों को चार पांच लोग कराने के लिए लगते हैं मैंने अकेले कर लिया। मानना पड़ेगा अरे हिम्मत, मेरी भी जान निकल रही थी देखकर, लेकिन हिम्मत है यार सही में। मतलब मेरा तो किडनी स्टोन लेने मामले जब होता था तब मेरे उठने में ऐसा लगता था आठ महीने बिठ रहा पाँच एक दिन। नहीं यार बॉडी को जितना पुश करते हैं ना बॉडी उतना ही रिएक्ट करती है। अंदर से डेडिकेशन हो तो इंसान जल्दी रिकवर होता ही है। तो उनमें से वो उनमें से वो जो जुकाम से भी एक महीने लेटर रहता है। ये जो सामने फोटोज लगे उससे कितने अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। ये देखो वो सामने वो जो दिख रहा है टैग, ही ऐसे ही टैग लगा देते हैं बेबीज को हाथ में और पैर में। क्या लिख रहा है? ये फॉर्म भरना है तुम्हारा। अच्छा फॉर्म भर रहा है। में लिखा है नाम है उन टेलीफोन फेस्टन जी डॉइच स्प्राके जी लेबन अलाइन इन देयर फैमिली अवन जी ब्राइट सर्गेन किंडर। मतलब सब कुछ बता रहा है मम्मा अरेंज हो गई है कि नहीं हो गई, अकेले रहते हो, फैमिली में कोई है, नंबर क्या है, सारी चीज़ें। इस पे ये लिखा हुआ है तारा सिरोही, डेट ऑफ बर्थ टाइम, और लिखा हुआ है कि मेरी मम्मा का नाम जो है वो फ्राउ बावसार है। ऑलमोस्ट हो गया है, कोको मैया भी जो है वो हो गई है रेडी। टाइम टू गो होम विद न्यू मेंबर। विद न्यू मेंबर दो से तीन जा रहे हैं हम घर। जा रहे हैं तीन। डर लग रहा है क्या पहली बार ऐसे उठाते हो? नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी वजह से स्लो चल रहा हूँ। हाँ मैं तो स्लो ही चलूँगी। नहीं ये तो बहुत सेफ फील हो रहा है इसमें एक्चुअली गोदी से ज़्यादा। उसके लिए दुनिया पहली बार दिखेगी ये बाहर। बैठिए, इसे कुछ पता नहीं है दुनियादारी का। इसे ये भी नहीं पता एक गाड़ी में बैठी है। हमारे तो हमें तो जीवन में गाड़ी में बैठने में जाने कितने साल लग गए थे। तू व्लॉग देख लेना तुझे सब पता चल जाएगा ठीक है। ये सही है यार व्लॉग का सिस्टम है ना। खुला तो नहीं इसका विंडो खोल रहा हूँ। ऐसे तो इतनी कोई एकदम से हवा नहीं आ रही। तब जब देखते थे हेलीकॉप्टर। अच्छा ऐसी कुछ भी बोल रहा हूँ। मुझे घर जाने की इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आता इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब शायद समझ जाऊँ। और दीपक को अलाउ नहीं करते हैं वो रात में, और ये रात में ही सबसे ज्यादा रोती है, और रोता देख के मुझे तो बहुत समझ ही नहीं आता रोने में क्या चाहिए इसे। इसको या तो भूख या फिर डायपर। पिछले दिनों में कितनी बार आया? मैं हर दिन चार पांच राउंड लगाए मैंने पिछले पांच एक दिन में। तो बस रटे गई ना रास्ता। हे पामा आ गई है तो हे पामा विजिट कर। तो उसको बुला लिया है। अच्छा 75. She's drinking my milk. So breastfeeding. Very good. But sometimes in the night, especially after she feeds,
she's still hungry, so I have to give her a formula. The three and then she drinks. मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर आइडिया जो मैंने बताया। वो तो है ही, क्या मेरे छोटी सिस्टर के लिए ये क्या है? ये टॉय है ना? अरे वाह। और ये क्या है? ये क्या है? ये ड्रेस है? अरे वाह। अरे वाह। और ये किसने बनाया है? ये मायरा ने इतना अच्छा लिखना सीख लिया है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। मायरा दीदी कौन है? मायरा दीदी ये है? हाँ। ओ अरे इधर भी है। ओहो, अरे वाह, अरे वाह। ये छोटी बेबी देखी आपने? छोटी बेबी देखी आप? तो दर्द आयो छोटी बेबी को देखने से। क्या है इसमें? बल्ले 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 बिग बॉस टाइम।